हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ABC एप्टीट्यूड बूस्टर क्लास, वेर यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। तो आज हम सिलोगिज्म पढ़ने वाले हैं, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज हम सिलोगिज्म में कुछ डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट देखने वाले हैं, कि कुछ डिफरेंट वर्ड जैसे मैक्सिमम, एवरी, ईच, एनी, ये सब यूज़ करके स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा और किस तरह का रूल फॉलो करेगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है ईच ए इज़ बी, एवरी ए इज़ बी, एनी ए इज बी, 100% ए इज बी, ऐसा कुछ दिया हुआ है, या फिर दिया हुआ है एटलीस्ट सम ए आर बी, मैक्सिमम ए आर बी, मिनिमम ए आर बी, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम कैसे डायग्राम बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत काम आएगा। जैसे कि देखिए ईच, एवरी, एनी, 100%, ऐसा कोई भी वर्ड स्टेटमेंट में हो तो डायग्राम ऑल का बनेगा। और ऑल का डायग्राम कैसा होता है, अगर मान लीजिए ऑल ए आर बी दिया हुआ है तो इसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाते थे, ये हमारा ए हो गया और ये सारा का सारा ए बी के अंदर, ये आप ऐसे बनाओगे। ईच, एवरी, एनी, 100% कुछ भी दिया है यही डायग्राम बनेगा। उसी तरह देखिए सम के आगे मैंने लिखा है एटलीस्ट, मोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्यू, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, ऑफन, जनरली, नंबर्स बिटवीन 0% टू 100%। मैंने लिखा 0% टू 100%, नंबर्स बिटवीन, बिटवीन मतलब 0% और 100% के बीच में जो भी नंबर आता है, जैसे ऐसे दे दिया 0.01% ऑफ ए आर बी, इसका मतलब क्या हो गया, सम ए आर बी, तो इसमें सम का बनाना है। तो 0%, 0.01, 0.001 कुछ भी दिया है तो सम का केस फॉलो होगा। उसी तरह एटलीस्ट सम ए आर बी ऐसा दिया हुआ है, मैक्सिमम ए आर बी दिया हुआ है तो भी सम का केस फॉलो होगा। तो सम का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। उसी तरह नो का केस कब फॉलो होगा, नेवर, कैन नेवर, कैन नॉट, नथिंग, ये सब दिया रहे तो हम नो का डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि अगर दिया हुआ है ए कैन नेवर बी बी, मतलब ए कभी बी नहीं हो सकता, तो कहने का मतलब नो ए इज बी, ये डायग्राम बनाना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया, ये सारे वर्ड्स अगर यूज होंगे स्टेटमेंट में तो हमें नो का डायग्राम बनाना है। उसी तरह हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, ये सारे वर्ड यूज होंगे तो आपको सम नॉट का डायग्राम बनाना है। और मैंने पिछले वीडियोस में आपको सम नॉट, नो, ऑल, सम, ये सब का डायग्राम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराया है, तो आपको ये डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बनाकर फिर वही प्रोसेस फॉलो करना है। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और सिलोगिज्म का आप सारा वीडियो वहां से देख सकते हो, और उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको बस ये वर्ड्स याद कर लेना है। अब एक स्पेशल केस और आता है, ओनली पेन्स आर पेंसिल्स, ऐसा दिया हुआ है तो डायग्राम क्या बनेगा। तो देखिए मैंने लिखा है ओनली पेन्स आर पेंसिल्स इज इक्वल टू ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, तो इसका मतलब क्या होता है, ओनली पेन्स आर पेंसिल्स अगर दिया हुआ है तो ये इक्विवेलेंट होता है आपका ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। देखिए ओनली कहाँ, पेन्स के साथ लगा हुआ है, और यहाँ ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये हो गया हमारा पेंसिल्स, और ये जो हो गया हमारा बड़ा वाला डायग्राम पेन का हो गया। तो ओनली पेन्स आर पेंसिल्स अगर बोला जाता है तो ओनली जिसके साथ लगा होता है उसके अंदर हमारा सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट जाता है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा इसके अंदर जाएगा, ओनली वाला हमेशा बाहर रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओनली पेन्स आर पेंसिल्स इक्विवेलेंट टू ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। तो आप याद रखो कि अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ रहता, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, और एक दिया है ओनली पेन्स आर पेंसिल्स, तो ऑल पेन्स आर पेंसिल्स का डायग्राम कैसा बनेगा, पेन अंदर होगा और हमारा पेंसिल बाहर होगा। अगर यहीं पे ऑल की जगह पे ओनली लग गया तो ये याद रखो ये डायग्राम अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होने का मतलब यहाँ पे ऑल पेन्स आर पेंसिल दिया है तो इसका अपोजिट क्या करेंगे, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो पेंसिल अंदर, पेन बाहर। तो ओनली पेन्स आर पेंसिल्स का मतलब क्या होगा, ये हमारा पेंसिल अंदर, पेन बाहर। अब ये ऐसा क्यों होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि ओनली झारखंड स्टूडेंट्स आर टॉपर्स, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हुआ है, लेट्स से हम ले लेते हैं कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि कैट, जैट, मैट, या फिर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम ले लो, SSC का एग्ज़ाम ले लो, तो अगर मान लो उसमें 100 टॉपर हैं वो केवल झारखंड से हैं, तो अगर बोला जाए ओनली
झारखंड स्टूडेंट्स आर टॉपर्स, मतलब टॉप 100 में आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायग्राम कैसा बनेगा उसका? ओनली झारखंड स्टूडेंट्स आर टॉपर, तो ओनली के साथ क्या लगा, झारखंड स्टूडेंट और टॉपर हमारा ऑब्जेक्ट है, लास्ट में आ रहा है, तो इस केस में हमारा झारखंड के स्टूडेंट के साथ ओनली लगा है तो वो बाहर होगा, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, टॉपर अंदर और झारखंड का स्टूडेंट बाहर। तो ये क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए SSC एग्ज़ाम में अगर 100 आदमी टॉप करते हैं, सारे के सारे झारखंड से हैं, तो झारखंड में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से जो 100 स्टूडेंट हैं उन्होंने टॉप किया है, तो जितने भी 100 टॉपर हैं वो झारखंड के ही स्टूडेंट हैं, यानी झारखंड के अंदर आएंगे, और झारखंड में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो टॉपर नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, रेफरेंस के लिए आप इसे याद रख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ओनली झारखंड से स्टूडेंट्स आर टॉपर्स। तो इस तरह से आप जब भी कन्फ्यूजन होगा ये एग्जाम्पल याद करोगे, आप इजिली ये डायग्राम बना सकते हो, या फिर ऑल पेंसिल्स आर पेंस, मतलब ये याद रखो ओनली पेंस आर पेंसिल्स इज इक्वल टू ऑल पेंसिल्स आर पेंस, तो भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। सिलोगिज्म का थ्योरी बस इतना ही है जितना मैंने पढ़ाया है ये, और पहले की वीडियोज में मैंने जो बताया है। तो अब क्या करना है हमें, इस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि एक तो ट्रेडिशनल पैटर्न में जैसे आता था सिलोगिज्म उसका क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमें आजकल के जो पैटर्न में आ रहा है रिवर्स सिलोगिज्म, उसको कैसे बनाना है वो करना है, और साथ साथ कुछ और भी पैटर्न है सिलोगिज्म के जो अभी तक तो बैंकिंग एग्जाम में देखने को नहीं मिले हैं, पर हो सकता है कि आगे देखने को मिल जाए, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, हर एग्ज़ाम पिछले एग्ज़ाम से अलग हो रहा है, तो आपको हर तरह से प्रिपेयर होना होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको वैसे क्वेश्चन कराऊंगा, और सिलोगिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, सारे वीडियोज़ को अगर समराइज़ करना चाहूँ तो कुछ बात है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको वेन डायग्राम मेथड फॉलो करना है, अगर आप वेन डायग्राम मेथड फॉलो करते हो तो उसमें लीस्ट टच मेथड फॉलो करना है। लीस्ट टच मेथड का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि स्टेटमेंट में जितना भी रिलेशन दिया हुआ है कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच, तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि जितना रिलेशन दिया है उससे ज़्यादा रिलेशन डायग्राम में ना आए, तो ये हो गया हमारा लीस्ट टच डायग्राम मेथड। फिर अगर स्टेटमेंट मान लीजिए, अगर कंक्लूजन अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, तो हमको वही डायग्राम के अनुसार देखना है कि कंक्लूजन में क्या बोल रहा है और वो फॉलो कर रहा है, यानी फॉलो कर रहा है तो सही, नहीं फॉलो कर रहा है तो गलत। और अगर री स्टेटमेंट है, री स्टेटमेंट कहने का मतलब जो स्टेटमेंट में जो भी चीज़ दिया हुआ है सेम का सेम आपको कंक्लूजन में अगर दिया है तो वो सही होता है। फिर उसके बाद नेगेटिव कंक्लूजन होगा तो हमको डायग्राम चेंज करके चेक करना होता है, तो ये चीज़ मैंने बताया था, और चेक करना होता है। अगर पॉसिबिलिटी का केस है तो पॉसिबिलिटी के केस में भी हम लोग डायग्राम चेंज करते हैं, तो पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो कि कैसे डायग्राम चेंज किया जाता है और कैसे आंसर किया जाता है, मैंने ये सारी चीज़ बताए हैं। और पॉसिबिलिटी के केस में एक और चीज़ मैंने बताया था कि अगर जो चीज़ डेफिनेट है, डेफिनेट कहने का मतलब कि पहला जो हम डायग्राम बनाएं, जैसे कि सपोज करिए कि स्टेटमेंट है ऑल ARB और यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायग्राम हमारा बना ए ऑल ARB का, तो यहाँ पे पूरा का पूरा AB है। अगर मान लीजिए आपको कंक्लूजन में दे दिया कि सम ए बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए ऑल AB है तो सम AB होगा। अगर ऐसा केस, यहाँ पे ए सम AB डेफिनेट है, अगर ऐसा केस देता है पॉसिबिलिटी के साथ, तो अगर बैंक के आप स्टूडेंट हैं या SSC के तो आप उसे गलत करोगे, और अगर कैट के स्टूडेंट हैं तो उस कंक्लूजन को सही करोगे। बैंक वाले इसलिए गलत करते हैं SSC वाले, क्योंकि वो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ डेफिनेट है तो उसका हम पॉसिबिलिटी सही नहीं करेंगे, क्योंकि कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में हो ही नहीं सकता अगर कोई चीज़ 100% डेफिनेट है। और कैट वालों का कहना है कि 100% मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब है हमारा प्रोबेबिलिटी, और 100% प्रोबेबिलिटी भी होता है, तो इसलिए वो उसे फॉलो करते हैं 100% प्रोबेबिलिटी मान के। तो ये हमारा हो गया। इधर और केस में मैंने 3 रूल बताया था, वो 3 रूल याद करो कर लोगे तो इधर और केस में आपको कभी गलती नहीं होगी, तो वो 3 रूल देखने के लिए आप मेरी इधर और की वीडियो देख सकते हो। और फिर उसके बाद सम नॉट का केस मैंने अच्छे से डिस्कस किया, उस पर एक सेपरेट वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो कि सम नॉट में 2 डायग्राम बनाते हैं, अगर स्टेटमेंट में सम नॉट दिया हुआ है तो 2 डायग्राम बनाएंगे, अगर कंक्लूजन में सम नॉट है तो हम डायग्राम चेंज करेंगे, और इस तरह से डायग्राम चेंज करेंगे कि सारे के सारे ए, अगर ऐसा दिया हुआ है कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी, तो सारे के सारे ए को हम बी बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बन जाता है तो सही, नहीं बनता है तो गलत। तो ये हमारा हो गया सम नॉट का केस। तो आप सारे केस देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोज़ में, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं सिलोगिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और
अलग अलग तरह के पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। तो आज बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।